हाय फ्रेंड्स, मैं सुजाता आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ही नई है, वो है मिस्टी दोई। और इसे बनाते कैसे हैं, कैसे जमाते हैं, ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और मेरा जो बनाया हुआ मिस्टी दोई बना या नहीं बना वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और खाने में कैसे बनी थी वो भी आपको लास्ट में दिखाऊँगी। और उसके लिए मुझे जो जो सामान चाहिए वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ बाहर। और मेरे वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और पूरा वीडियो देखें कि मैंने कैसे इसको बनाया है। चलिए, मैं जा रही हूँ अभी दुकान। पहले चाहिए मुझे दूध, वो भी फुल फैट वाली। और दूसरी चीज़ है मिट्टी का एक बर्तन। अगर मुझे मिट्टी का कोई भी एक बोल मिल जाए, छोटा वाला भी होगा चलेगा, तो मैं बना सकती हूँ। क्योंकि मिट्टी के बोल में जो दही बनाते हैं मिस्टी दोई, मुझे बहुत पसंद है। तो आज पहली बार ट्राई करूँगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे पास में जो दुकान है उसमें मुझे फुल फैट मिल्क मिलेगा कि नहीं पता नहीं। एक दुकान तो मैंने देख लिया लेकिन मुझे मिला नहीं। अभी दूसरे दुकान में जा रही हूँ, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं देखते हैं। दुकान पूरा खोल के रखा है लेकिन कोई भी नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है ये मिट्टी का एक मुझे मिल गया है। और साथ में मैंने ले लिया है मिल्क, लेकिन ये फुल फैट मिल्क नहीं है। क्या करें, अभी पास में जो है वही लेके आज बनाने की ट्राई करूँगी, होता है कि नहीं देखूँगी। जो नहीं मिल रहा है उसे तो ज़्यादा ढूंढ के परेशान होकर फ़ायदा नहीं है, जो मिल रहा है उससे ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं। और साथ में मैंने एवरीडे का पैकेट भी ले लिया है, 4 पैकेट। अभी मैं सोच रही हूँ कि उससे ही थोड़ा सा मैं जो दही है बनाऊँ ना। क्या कर रही हूँ आज, चीज़ें वेस्ट करना बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे। कोई एक नया काम करने से पहले रिस्क तो लेना ही है, कोई भी कुछ भी हो। चलते हैं अभी घर, चलिए। इसमें बनाऊंगी मैं दही। और मैंने अमूल ताजा का 1 लीटर का है ये, और इसके साथ है ये चीनी। थोड़ा सा मैंने चीनी भी ले लिया है, घर में है फिर भी मैंने ले लिया। और 4 पैकेट एवरीडे इसका यूज़ करूँगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे मैंने ले लिया था। और मैंने पहले मिट्टी का जो बर्तन है अच्छे से धो लिया है पानी से, धोने के साथ साथ ये सूख गया। अभी मैं दूध उबालूँगी। दूध डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें, उसके ऊपर मैं दूध डालूँगी। ऐसे करने से क्या होता है, जब हम दूध उबालते हैं तभी नीचे से जलता नहीं है और लगता भी नहीं है नीचे। तो पहले मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है, गैस का फ्लेम हाई रख के इसको एक उबाल आने के लिए रख देंगे। ये देखिए एक उबाल आ चुका है, अभी मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया। अभी धीरे धीरे ये उबलता रहेगा और थोड़ा कम भी हो जाएगा। दूध को बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना है। ये देखिए हमारा दूध बहुत गाढ़ा हो चुका है अभी, बहुत हद तक। इसको और थोड़ा गाढ़ा करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी दूसरे साइड में मैंने एक कढ़ाई रखा है, इसमें मैं चीनी का कैरेमल बनाऊंगी। ये चीनी मैंने लिया है 1 कप, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, उसको भी मैं यूज़ करूँगी बाद में। चीनी को डालने के बाद इसे गैस का फ्लेम जो है उसे एकदम लो करना है और चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो चीनी जल जाएगा नीचे से। ये देखिए ये गलना शुरू हो गया, ऐसे हमें इसे चलाते रहना है, रुकना नहीं है।
पूरा अभी गलना शुरू हो गया है। ये इतना तक हमें इसको गलाना है। ये पूरा रेडी है, गैस का फ्लेम ऑफ। अभी इसमें बहुत सावधानी से हमें थोड़ा सा दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा दूध। इस समय चीनी जो है बहुत ही गर्म है, वो ऊपर आ जाता है झट से डालने के बाद, तो हम ज़्यादा इसमें दूध नहीं डालेंगे। थोड़ा दूध डालने के बाद चीनी को गलाएंगे। अभी मैंने फिर से गैस को ऑन कर दिया है। ये देखिए धीरे धीरे ये गलना शुरू हो गया फिर से, और दूध का कलर भी बहुत हद तक चेंज हो गया है। चीनी का मात्रा आप अपने हिसाब से देंगे, आप कितना चीनी खाते हैं। आप बीच बीच में टेस्ट करेंगी। अभी मैंने जितना दूध था सब इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उतना हमें ठंडा करना है जैसे हमारा जो उंगली है डालने के बाद जले ना, सहन करने लायक हो। इस वक्त क्या करना है, दूध ठंडा होने के बाद अभी क्या करना है, थोड़ा सा हमें एक बोल में जामुन लेना है। मैंने जामुन लिया है एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। जो दूध हमने उबाला है उस दूध को ही ठंडा होने के बाद इसमें ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से फेंटने के बाद इसे हम दूध के साथ मिक्स करेंगे। और अभी अच्छे से फिर से हमें पूरी तरह उसको मिक्स करना है। मैं देख रही हूँ मैं ऊपर से इसको कैसे मिला रही हूँ, इससे ऊपर में बहुत झाग आ चुका है। अभी ये दूध जमाने के लिए रेडी है। मैंने मिट्टी के जो बर्तन है उसमें निकाल लिया है, थोड़ा सा धुआं भी आप लोगों ने देखा होगा अभी। और ये देखिए ऊपर पूरा झाग आ चुका है, अभी इसको हम जमाएंगे। इसे जमाने के लिए मैंने लिया है ये पुराना जो टूटा हुआ है हैंडल, नॉनस्टिक का लिया है, तो इसके बीच में मैं गर्म कपड़ा रख रही हूँ। ये गर्म कपड़ा है, उसके बीच में मैं दही को बिठाऊँगी, और ऊपर से एक प्लेट लेके उसको ढक दूँगी अच्छे से। और इसके ऊपर भी मैं एक बड़ा वाला बोल जिसे पूरा ढक जाए ऐसे मैं ऊपर से ढक दूँगी। इसे रखने के बाद मुझे पूरा गर्म कपड़े से इसे कवर करना है, और इसके साथ मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी, पूरी रात इसे रहने दूँगी, और कल सुबह देखते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 7:30 बजना बाकी है। कल शाम को मैंने 7 बजे रखा था। अभी चेक करेंगे हमारे दही का हालत क्या हो गया है, जमा है या नहीं जमा है। ये देखिए हमारा दही पूरा जम चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो दही का मैंने कल ट्राई किया बहुत अच्छा आया। मैं डर रही थी कि मेरा जो दही है जमेगा या नहीं जमेगा, लेकिन मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ये पूरा कंप्लीट हो गया और अच्छे से जमा है ये। और अभी इसको मैं 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ये अच्छे से फिर से जम जाएगा। और इसको मैं देखूंगी 1-2 घंटे के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स फ्रिज से निकाल लिया मैंने 1-2 घंटे के बाद, और ये दही इतना अच्छे से जमा हुआ है ना, इसे मैं अभी काट के दिखाती हूँ। ये देखिए इतना क्रीमी दही बना है, देखने से आपको पता चल जाएगा ये पूरा क्रीमी है, पूरा क्रीमी दही बना है। देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छा आया, तो अगर इसके बाद भी मैं बनाऊंगी तो और भी अच्छा होगा। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। फ्रेंड टेस्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें और थोड़ी चीनी होनी चाहिए थी तो इसमें स्वाद में बहुत अच्छा होता। चीनी थोड़ी सी मैंने कम डाली थी कल,
क्योंकि हमारे घर में चीनी सब लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, तो मैंने कम चीनी का इस्तेमाल किया है। खट्टापन भी आ रहा है, मीठा भी है, और थोड़ा मीठा, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो और थोड़ा मीठा डाल के बनाइए, टेस्ट ज़बरदस्त होगा। तो आज की अगर मेरी ये पूरी रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आए मिस्टी दोई की, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरी ये वीडियो देखने के लिए। फिर से मैं आऊँगी एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।